नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर अनमोल कुमार। दोस्तों, आप लोगों में से बहुत से सवाल ऐसे आते हैं जिसका मैं जवाब नहीं दे पाता हूं, लेकिन वीडियो के माध्यम से मैं चाहता हूं कि अधिकांश लोग इसकी जानकारी रखें और होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति का लाभ उठाएँ। दोस्तों, एक गंभीर समस्या है बवासीर। आज हम बात करेंगे बवासीर के बारे में और बवासीर का होम्योपैथिक निदान के बारे में। हम में से कई लोग जो आज की भाग दौड़ की ज़िंदगी है उसमें बाहर का खाना खाते हैं। कई बार होटलों में हमें खाना पड़ता है, ये हमारी मजबूरी हो जाती है, काम की व्यस्तता के कारण ऐसा करना पड़ता है, या कहीं बाहर जाकर काम करने की स्थिति में आप होटल में खाना खाते हैं। इससे यह होता है कि अत्यधिक मात्रा में मसाले, दो चार दिन का डीप फ्रीज किया हुआ मसाला या सब्जी आपको खाना पड़ जाता है। इस तरह के काम होते हैं होटलों में, ये सभी जानते हैं, और इसके कारण यह होता है कि हमारे आंतों को इसका बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है, हमारे पेट को बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर इसका बहुत ही बुरा असर होता है, और इसके फलस्वरूप हमें बवासीर हो जाता है, और यह बड़ा ही पीड़ादायक और नुकसानदायक है। इसलिए भी कि यह अत्यधिक मात्रा में, कई लोगों में तो ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्लीडिंग हो जाती है और वो कमज़ोर हो जाते हैं। कई लोग तो एनेमिक हो जाते हैं, एनेमिया से शिकार हो जाते हैं, उनके बदन से बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्लड निकल चुका होता है पाइल्स के कारण। आप देखते होंगे कई लोगों में ब्लड रिसते रहता है। ऐसी स्थिति को रोकने के लिए होम्योपैथी में बहुत से प्रभावी दवा हैं, और उन सब की जानकारी हमें अवश्य होनी चाहिए। और दवा की जानकारी से पहले आपको परहेज की आवश्यकता है। जैसे ही आपको पाइल्स हो जाता है, आप देखेंगे पाइल्स के मैं दो चार आपको बातें बता देता हूँ कि सबसे पहले आपको जो है कब्ज होना शुरू होगा। कब्ज में आप देखेंगे कि जो आपका स्टूल है वो हार्ड होने लगता है, हार्ड होने के बाद वो सूखने लगता है, और आप जब प्रेशर दे करके पैखाने में आप जब प्रेशर करते हैं तो आप देखेंगे कि कई बार ब्लड के छींटे निकल जाते हैं, कई बार बेहद दर्द होता है, बाथरूम जाने के बावजूद आपको लगता है कि पेट खाली नहीं हुआ है, इस तरह का कंस्टिपेशन रहता है। और यह जितने बार आप स्टूल के लिए जाते हैं, बाथरूम जाते हैं, आपको जो है बार बार ब्लड आता है मलद्वार से। ऐसी स्थिति को रोकने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने आहार में सुधार लाना चाहिए। आपको अधिक मात्रा में सलाद का सेवन करना चाहिए, जो सीजनल फ्रूट्स हैं उसका सेवन करना चाहिए, और लाइट एक्सरसाइज आपको शुरू कर देनी चाहिए। इससे यह होगा कि आपके शरीर में जो है एक नई ताजगी आएगी और आपका जो हीलिंग प्रोसेस है वो तेज हो जाएगा, आपका जो है बवासीर ठीक हो जाएगा जल्दी से। आइए हम जानते हैं होम्योपैथी के उन तीन महत्वपूर्ण दवा के बारे में जो मैं अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस के थ्रू आपको बताना चाहता हूं, और जो मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस रहा है उसके बेसिस पर मैं आज आपको तीन होम्योपैथी दवा बताने जा रहा हूं जो बेहद ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहली दवा जो है वो है कोलेंसेनिया मदर टिंचर। कोलेंसेनिया मदर टिंचर जो है एक ऐसी दवा है जो कब्ज के साथ अगर आपको बवासीर रहता है तो वहाँ पर ये बहुत अच्छा लाभ करता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बराबर कब्ज है और उसके बाद आप बवासीर के शिकार हो गए हैं, तो आपको कोलेंसेनिया का मदर टिंचर लेना चाहिए। कोलेंसेनिया मदर टिंचर आप इसका 15-15 बूंद तीन बार 4 चम्मच पानी में मिलाकर सुबह दोपहर शाम खाना खाने के बाद लेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको बहुत ज़्यादा कब्ज नहीं है और बवासीर है, पेट में मचोड़ होता है, आपको जो है पाचन क्रिया में तकलीफ होती है,
आपका बार बार स्टूल जाने का मन करता है, आपका पेट साफ नहीं होता है, वहाँ पर आप कोलेंसिनिया का 200 पोटेंसी में अगर 5-5 बूंद सुबह शाम 2 बार भी लेंगे तो भी फायदा करेगा। ये बहुत ही कारगर दवा है, कब्ज के साथ बवासीर इसका रेड लाइन सिम्टम्स है। अब जो है दूसरी दवा हेमामिलिस मदर टिंचर, जहाँ पर हैवी ब्लीडिंग होती है, आप देखेंगे कि पाइल्स के केसेस में मलद्वार से बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्लड निकलता है, अत्यधिक दर्द रहता है और ब्लड रुकने का नाम नहीं लेता है, तो वहाँ पर जो है आपको हेमामिलिस मदर टिंचर, जी हाँ दोस्तों, मैं आपको दवा का नाम आपके सहूलियत के लिए स्क्रीन पर भी दे दूंगा, आप इसका सेवन करेंगे हेमामिलिस मदर टिंचर का, तो आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। इसका जो है 15-15 बूंद मदर टिंचर का आपको लेना है और 4 चम्मच सुसुम पानी में अगर हो सके तो ले सकते हैं, या फिर नॉर्मल वाटर में आप इसका 15 बूंद दवा को 4 बार लेंगे तो अत्यधिक लाभ देखा गया है। दोस्तों ब्लीडिंग को, पाइल्स के ब्लीडिंग को रोकने के लिए हेमामिलिस मदर टिंचर एक बहुत ही खास और बहुत ही उम्दा दवाई है। तीसरी दवाई जो है दोस्तों उसके बारे में हम जान लेते हैं कि एस्कुलस हिप 200। एस्कुलस जो दवा है, आपके मलद्वार में तीव्र दर्द है, बेहद जलन रहता है, मल त्याग के बावजूद भी आपका दर्द बना रहता है, ऐसा लगता है कि मलद्वार में शीशे भरे पड़े हैं, इस तरह का पिंचिंग पेन होता हो तो आपको एस्कुलस हिप 200 पोटेंसी में अवश्य लेना चाहिए। यह बेहद ही खास दवा है और यह दवा इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि यह बवासीर में अक्सर देखा जाता है कि जहाँ पर ब्लीडिंग होता है, कंस्टिपेशन रहते हैं, उसके बाद मलद्वार में दर्द होना स्वाभाविक होती है, ऐसी स्थिति में आपको एस्कुलस हिप 200 5-5 बूंद 3 बार लेना चाहिए जहाँ पर तीव्र दर्द हो। अगर दर्द सहनीय है, हल्का दर्द है, तो वहाँ पर आप इसे 5-5 बूंद सुबह शाम 2 बार ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का मेरा वीडियो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर भी करें, क्योंकि बवासीर एक आम समस्या है जो बहुत से लोगों को परेशान कर रखा है। बहुत से लोग बड़े बड़े इलाज ले रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप इन 3 दवाइयों का सेवन करते हैं तो आपको अवश्य लाभ होगा। अगर इनके जो मैंने लक्षण बताए इससे अलग आपके लक्षण हैं तो आप नज़दीकी होम्योपैथ डॉक्टर से अवश्य मिलें, आपको होम्योपैथी से आपको बवासीर से निजात मिल जाएगा।